अगर उनकी घोटाले की गारंटी है तो मोदी की भी एक गारंटी है। देश भर में उमड़ी भगवा लहर ने आगामी लोकसभा चुनाव का संकेत दे दिया है। सिंहासन का सेमीफाइनल संपन्न हो गया है और अब वक्त है फाइनल यानी 2024 की लोकसभा चुनाव की टक्कर का। नमस्कार, उदय इंडिया डिजिटल में स्वागत है आपका। मैं हूं अंशुमान आनंद। आज रविवार यानी 3 दिसंबर को 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के परिणाम सामने आ गए हैं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान और छत्तीसगढ़ से जैसे दो बड़े राज्य कांग्रेस के हाथों छीन लिए और मध्य प्रदेश में अपनी सरकार को बचा लिया है। कांग्रेस को बस तेलंगाना से ही संतोष करना पड़ेगा। 5 प्रमुख राज्यों में हुए चुनाव को सिंहासन का सेमीफाइनल कहा जा सकता है, क्योंकि मध्य प्रदेश में लोकसभा की 29, राजस्थान में 25, छत्तीसगढ़ में 11 और तेलंगाना में लोकसभा की 17 सीटें हैं, जबकि मिजोरम में सिर्फ 1 सीट है। इन सभी लोकसभा सीटों को जोड़ लिया जाए तो इनका योग हो जाता है 83, जो कि लोकसभा के कुल 543 सीटों का एक बड़ा हिस्सा है। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जैसे राज्य पश्चिमी और मध्य भारत का बड़ा हिस्सा घेरते हैं, जहाँ पर भाजपा का लौटना इस बात का संकेत है कि भारत के हृदय क्षेत्र की जनता के बड़े हिस्से ने पीएम मोदी पर फिर से भरोसा किया है, क्योंकि इस बार 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने अपनी तरफ से मुख्यमंत्री के चेहरों का ऐलान नहीं किया था। राजस्थान में ना तो वसुंधरा राजे के नाम पर चुनाव लड़ा गया, छत्तीसगढ़ में भी रमन सिंह को चुनावी चेहरा नहीं बनाया गया और मध्य प्रदेश में तो सत्तासीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बारे में भी यह तय नहीं है कि चुनाव के बाद वही मुख्यमंत्री बनेंगे या नहीं। इस बात में काफ़ी कन्फ्यूजन रहा, बहुत सारी चर्चा चलती रही। इसके बजाय इन सभी राज्यों में सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर चुनाव लड़ा गया। भाजपा ने ऐसा जानबूझकर किया था ताकि सिंहासन के सेमीफाइनल से पहले ही मोदी के नाम के जादू को एक बार फिर से परख लिया जाए। और कहना नहीं होगा कि भाजपा का यह दावा बिल्कुल सटीक बैठा है। जनता ने पीएम मोदी की गारंटी को खूब पसंद किया है। पीएम मोदी ने भी हर राज्य की चुनावी यात्रा में बार बार सीना ठोक कर बोला कि भाजपा ने जो जो वादे किए हैं वो पूरे किए जाएंगे, ये मोदी की गारंटी है। और जनता को मोदी की यह गारंटी पसंद आई, क्योंकि वो जानती है कि मोदी के नाम का सिक्का देश के अंदर ही नहीं बल्कि विदेशों में भी चलता है। अगर उनकी घोटाले की गारंटी है तो मोदी की भी एक गारंटी है और मेरी गारंटी है हर घोटाले बाज पर कार्रवाई की गारंटी, हर चोर लुटेरे पर कार्रवाई की गारंटी। खास बात यह है कि कांग्रेस ने भी भाजपा जनता का वोट हासिल करने के लिए कई लोक लुभावन घोषणाएं की थी, जो कि बहुत हद तक भाजपा की घोषणाओं की ही तरह थी। लेकिन ये घोषणाएं कांग्रेस के मुख्यमंत्रियों की तरफ से यानी राजस्थान में अशोक गहलोत और छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल की तरफ से की गई थी। लेकिन जनता ने मोदी की गारंटी पर भरोसा किया और 3 अहम राज्य भाजपा की झोली में डाल दिए। उदय इंडिया ने भी चुनाव से ठीक पहले माहौल जानने के लिए राजस्थान और छत्तीसगढ़ का दौरा किया था, जहाँ हमारी टीम ने जमीनी स्तर पर लोगों से बातें की थी और हमें ये फीडबैक मिला था। मोदी जनता बाज है, मोदी जी ने दिया वोट भाजपा बीजेपी, मोदी जी मैं फूल नहीं दे वोट, मैं तो मोदी भी सोको लागे फूल भी सोको लागे। ऐसा कोरोना के महीने भी नहीं दे वोट, मगर देश की नहीं विदेशों तक की मदद करी मोदी जी। कमल ना तो कमल में के था नाचो लगा मोदी जी, मोदी जी मोदी जी को जो देना चाहते मैं मोदी जी ने वोट दिए, मोदी जी ने वोट दो तो बीजेपी की सरकार जाओ कहाँ है राजस्थान में बीजेपी की सरकार जाओ मोदी ने मोदी जी ने जाओ मोदी ने मोदी जी मोदी जनता बाज है। भारत माता की जय, वंदे मातरम, नरेंद्र मोदी जी जिंदाबाद। तो आपका वोट किसको जाएगा? अपना बीजेपी में जाएगा। पुरेंद्र मिश्रा को? पुरेंद्र मिश्रा जी को। हाँ, पूरा पैसा गोबर घोटाला, गोठान घोटाला, मतलब जितनी घोषणा है उससे ज्यादा घोटाले घोटाला है इनकी। सर, जीत क्या होती है ना कि सामने वाले को इतना कॉन्फिडेंस दे देती कि हमारे बाप का कोई उखाड़ ही नहीं सकता है। सर, तो आपने देखा ये चुनाव परिणाम जो आए हैं वो कोई अप्रत्याशित नहीं है, ये बिल्कुल वैसे ही हैं जैसा कि उदय इंडिया की चुनावी टीम को अपने फील्ड वर्क के दौरान जनता से बात करके पता चला था। हमने मतदान से पहले छत्तीसगढ़ राजस्थान में निजी तौर पर सैकड़ों लोगों से बात की थी, जिनमें से अधिकतर लोगों ने मोदी की गारंटी पर भरोसा जताया था।
चाहे वो शहरी इलाके के लोग हों या फिर ग्रामीण इलाकों के, सभी के जुबान पर मोदी का नाम था। बल्कि उदय इंडिया की टीम ने लोगों से ये भी पूछा था कि भाई मोदी तो प्रधानमंत्री हैं, वो तो आपके राज्य मुख्यमंत्री बने नहीं आएंगे। तब लोगों ने जवाब दिया था कि मोदी जी जिसको भी मुख्यमंत्री बनाएंगे वो उनके लिए अच्छा काम करेगा। ये है जनता का मोदी पर भरोसा। आज के चुनाव परिणामों ने ब्रांड मोदी की ताकत को एक बार फिर से स्थापित कर दिया है। इन परिणामों को देखकर स्पष्ट रूप से महसूस होता है 2024 में जनता किसे प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बिठाना चाहती है। सिंहासन का सेमीफाइनल खत्म हो चुका है और लगता है 2024 में भी लोकतंत्र के फाइनल यानी लोकसभा चुनाव 2024 के चुनाव परिणाम भी इससे कुछ अलग नहीं होंगे। वहाँ भी मोदी की गारंटी काम आएगी और भारत विश्वगुरु बनकर रहेगा। जय हिंद, जय भारत।